कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ड्रामा सेंटर में रहे, एसीओ में ले गए। अच्छा, वहाँ नहीं तो वहाँ से भेज गए। क्या चाहते हैं? इलाहाबाद ले गए रानी सब में। क्या चाहते हैं? नहीं तो भाई बात वहाँ भेज गए। अब चाहते क्या है? यहाँ जाम आपने लगाया? अरे जाम हमको इंसाफ चाहिए, आपका इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह हमारी बात जी, क्या मांगे हैं? क्या मामला क्या है पूरा बताएं। मामला ये है कि 15 नवंबर को इस लड़के को सामने आपके पड़ा है, इसको कुछ गुंडा तत्वों ने मारा पीटा, इन्होंने FIR कराया, लेकिन जिस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। ये बेचारे भटकते रहे, इलाज कराए कई जगह, और आज उसी का परिणाम है कि लड़का नहीं रहा दुनिया में। इसके लिए जो IO है भरत लाल राय, उसको तत्काल सस्पेंड करने की मांग हमने SP महोदय से कहा है, और मुकदमे में 302 में उसको तरमीम करने के लिए, और साथ ही 24 घंटे के अंदर तत्काल गिरफ्तारी हो मुलजिम की। अगर ये नहीं होता है तो कल स्थानीय जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग सिटी कोतवाली का घेराव करेंगे। दूसरी बात, इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हमने कहा है जिला प्रशासन से कि तत्काल कुछ आर्थिक व्यवस्था इनकी कराए, जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है मदद करें, और निश्चित रूप से हम लोग लगे हैं, और संगठन से भी कुछ न कुछ मदद इनको हम लोग कराएंगे, और न्याय मिले इनको। इनके साथ जो भी दुर्घटना हुई है उसके साथ हम सब खड़े हैं। पुलिस प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। सर ये बताइए कि आज जो जाम लगाया गया, जिसमें नगर विधायक से लेकर संगठन के लोग बैठे हुए और एक युवक की मौत हो जाती है, उस पर कार्रवाई का आरोप था, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक घटना हुई थी 15-11 में, और उस घटना के मद्देनजर इसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। दो लोग आपस में लड़ गए थे नारघाट में, जो है यहाँ कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर में, और आज इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के आधार पर चूंकि इस मुलजिम को तत्कालीन समय से दबिश के प्रयास किया गया था, उसमें उसको जमानत मिल गई थी, और फिर दोबारा उसको तरमीम कर दिया गया उचित धाराओं में, और तरमीम करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा सर, आज जाम लगाए हुए थे नगर विधायक, क्या इनकी मांग थी, क्या वजह थी जिसको जाम लगाना पड़ा? वही एक सब इंस्पेक्टर की लापरवाही की बात थी, और साथ साथ ये भी था कि इसमें उचित धाराओं की वृद्धि की जाए, और मुआवजा की बात थी तो मुआवजे की बात भी हो गई है, और उचित धाराओं में वृद्धि भी कर दी गई है, तथा जो विधिक कार्रवाई होती है सब इंस्पेक्टर की जा रही है। तो समझाओ को विशेष मामला ये बन गया है, ऐसे में सुरक्षा क्या? तो हमने जगह जगह जो संवेदनशील स्थान है उनमें जो है ड्यूटियाँ ड्यूटी पॉइंट और सिक्योरिटी वगैरह लगा दिया है, तथा उस पर वॉच किया जा रहा है, और सभी को ब्रीफ कर दिया गया कि समस्या नहीं आएगी, निश्चित तौर से इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई लापरवाही नहीं है, और उसने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखा है। अचानक खड़ा हो गया था, धक्का दे दिया, इसको चोट लगी। क्या शासन क्या दे रहे हैं? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है।